सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं देखिए आप सब ठीक हो। टाइम हो चुका है फिलहाल शाम के, बज रहे हैं भाई 6:30 एंड परिवार हमारा बैठा आज ये रहा देख लो, है ना। एंड भाई अपन जा रहे हैं कहाँ पे वो आपको आगे दिख जाएगा, पहले यहाँ से एयरपोर्ट जा रहे हैं। मम्मी यार का आशीर्वाद ले लेते हैं और जो डील है वो डन करके आते हैं। मम्मी आशीर्वाद दे दे रही, मैं लेट हो रहा हूँ एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ मैं। ओके टैक्सी ना तू छोड़ कर, आ जाइए भाई कोई दिक्कत ना। ओके हम निकल रहे हैं जल्दी से फटाफट एयरपोर्ट, क्योंकि आपको मिलने वाली बहुत ही तगड़ी सीरीज। एंड भाई काम के रिलेटेड मुझे जाना था कहाँ पे वो आपको जब मैं पहुंच जाऊंगा, रात में मेरा पहुंचने का टाइम है, मतलब 9 बजे फ्लाइट है और मैं पहुंच रहा हूँ 12:30 बजे लैंडिंग है मेरी। आई नो आप सब बहुत लद्दाख को मिस कर रहे हो, लद्दाख ट्रिप मेरी अभी पेंडिंग चल रही है, बट टेंशन ना लो जब भी लद्दाख ट्रिप हमारी चलेगी, बहुत जल्द चलने वाली है लद्दाख ट्रिप। बट तो फिलहाल अभी की बात कर लेते हैं, तो अभी हमारे साथ बैठ के चल रहा है तो अभी की बात करते हैं। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ केरला, किस काम को लेकर मीटिंग है उसको करने जा रहे हैं, बाकी फ्लाइट से जा रहा हूँ। गाड़ी से तो मतलब 2 दिन के लिए था, मतलब जाना आना जाना ये मेरे को, तो मैं चलो यार ठाली बैठा तो घूम आ लेता हूँ आप सबको भी। और जैसे मैंने सुना ना केरला इस टाइम पे बहुत सुंदर होता है क्योंकि मॉनसून वहाँ पे आ चुका है, सब कुछ ग्रीन और बारिश, क्योंकि हम यहाँ बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पे लोग बारिश। तो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ बारिश, देखते रहना और मिस मत करना ब्लॉग ना, पता नहीं 2 बनेंगे 3 बनेंगे 4 बनेंगे, क्योंकि 2 दिन का तो मेरा स्टे है ही, बाकी वहाँ पे देख लेंगे, अगर ज्यादा मजा आ गया तो मैं एक्सटेंड कर लूंगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं केरला की तरफ पहली बार फ्लाइट से ही जा रहा हूँ, 2 बार गया हूँ तो दोनों बार मैं बाय रोड ही गया हूँ, पहले एयरपोर्ट पहुंच जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टाइम हो चुका 6:30 और 9 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मुझे 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। और इस टाइम जाना मतलब आपको पता है कि इस टाइम क्या हालत होती है दिल्ली जाने की, जो लोग दिल्ली से गुड़गांव से है उनको पता होगा कि कम से कम भी भाई क्या एक्सीडेंट हो गया क्या, अच्छा नहीं वैसे ही कर गया। तो क्या कह रहा था, इस टाइम एयरपोर्ट जाना मतलब कि भाई युद्ध लड़ने बराबर होता है, क्योंकि एम्बियंस से आगे लेके और एयरपोर्ट तक पूरा पैक्ड रहता है, मतलब हमें जितना यहाँ घर से और एयरपोर्ट तक नहीं लगता उतना टाइम हमें रास्ते में लग जाता है। तो भाई गुड़गांव की ऊंची ऊंची इमारतों को छोड़ के हम चल दिए हैं केरला के फॉरेस्ट एरिया में। हमें मिला है जाम, जो कि भाई हमेशा मिलता है, या तो गिलासों में अच्छा लगता है रोड पे, बट हमें रोड वाला नहीं गिलासों वाला ज्यादा अच्छा लगता है। हमने एक प्यारा सा सनसेट देखा, बहुत ही प्यारा, एंड उसके बाद हमें दिखती है हमारे सामने जाती हुई फ्लाइट। चल ब्रो आके मिलते हूँ मैं, डन है भाई। बहुत टाइम लग गया एयरपोर्ट तक आने में ही, बहुत टाइम लग गया, इतना उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा लग गया, बट कोई नहीं पहुँच तो गए फाइनली। 30 तरह से फ्लाइट होती है था, और इस टाइम तो सुबह और इस टाइम पीक होता है बिल्कुल, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं होती, इस टाइम पीक होता है बस। सिक्योरिटी चेक इन पर जाके सबसे ज्यादा मैं परेशान होता हूँ यहाँ पे, जब मेरे को कैमरे सारे सामान निकालने पड़ते हैं और लोग मेरे को ऐसे देखते हैं कि ये क्या लेके जा रहा है साथ में, सबसे सारा सामान निकालो फिर वापस रखो ऊपर से, अभी भाई ट्रे रखने की जगह नहीं थी, ठीक है नीचे रख दो फ्रस पे और तब करो सारे, ऊपर से फिर वापस से जमाना है। और बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, जैसे इस बार हुआ क्या होता है, मेरे पास गिम्बल था, वो गिम्बल लगता है तो अजीब से तरीके का है, तो उन्होंने 2 बार चेक किया फिर बुलाया क्या है, मगर ये गिम्बल है, अच्छा किस लिए यूज़ होता है, मैं कैमरे के लिए यूज़ होता है, चलो ठीक है भाई वो भी सही है सिक्योरिटी पर्पस है, उस वजह से चेकिंग सही भी है भाई, बट भाई हालत से ख़राब हो जाती है मार्क्सम, जब मैं चेक इन क्रॉस कर लेता हूँ ना तब जाकर मेरे को शांति मिलती है कि हाँ चलो सुकून है आराम से बैठ सकता हूँ, बट वो है कि यार सही है उसमें बिजी में फ्लाइट का टाइम भी नहीं पता लगता, वरना यहाँ बैठ के बैठे बैठे बोर होंगे, कुछ खाएंगे क्योंकि खाया नहीं मैंने सुबह से कुछ भी। पहले अपना पेट पूजा कर ले, बाकी टाइम तो है अपने पास कम से कम 1 घंटा, और हम जा रहे हैं साउथ में तो फिर मगर अपना पेट भर के जाते हैं इतने ही, क्योंकि वहाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बिता के आया हूँ ना, मैं 18-20 दिन तड़प गया था भाई मसाले के लिए, तो यहाँ पे मैंने पनीर रोल ले लिया। पाप लगा का भैया जहाज वाले ने माँ कसम 2 ही 2 मारे उसको भाग दिया, क्या लगा क्यों करे सर, लास्ट कॉल है फाइनल कॉल है, मगर जी 25 मिनट बट रहे, कह रहे सर गेट भी बंद करने में टाइम लगा ना, तो मगर आइए 2 मिनट दे दे मैडम आ गए बस आ गया, खाना छोड़ के भगना पड़ा, बट झूठ वाली बात है जब भगवान छोड़ के जब दिखे खा सके तो बट बहुत ज़्यादा टेस्ट किया भाई। भाई मैं खाना खाता खाता उठाऊँ दोस्त, बॉडी स्टार्ट है, अरे बॉडी स्टार्ट ही, मैं खाना खाता खाता उठ के भगाऊँ भाई साहब, ऐसा होगा कि मैं बस रोटी टुकड़ा खा ही रहे हो, जब भगौट के मेरे जी पता मैं कैसे भूख को भगा था, भूख को ले जा रहा था मैं केरला तक। भाई भगदौड़ के मैंने पकड़ी फ्लाइट और सोचा कि चलो खाना तो मिस हो रहा है पर फ्लाइट तो मिस ना हो, मगर खाने से महंगी फ्लाइट है
अब साइड वाली विंडो सीट तो मुझे मिली नहीं, तो मैंने देखा भाई कुछ देख नहीं रहा, तो मगर ऊपर से लाइट भी ऑन नहीं कर रखी थी फ्लाइट में पूरे में, और अगर मैं कैमरा घुमा रहा था तो सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है। अब आपको पता है फ्लाइट में नेटवर्क तो नहीं होते नहीं है, तो सामने अंकल के फोन में झांकता के कर रहा था मैं बैठा बैठा, के बाद देखा साइड वाला भाई सो गया है थक हार के। मगर चलो विंडो सीट इसने ली तो है, बट इसके कुछ काम नहीं आई। फिर बाहर देखा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था बादलों के अलावा। अब ऐसा नहीं था कि प्लेन में सिर्फ मैं ही एक शरारती था, मेरे आगे जो अंकल बैठे थे ये भी पूरे शरारती थे, इनको भी एयर होस्टेस को बार बार बुलाना था। कल के बाद ऑलरेडी 2 बोतल पानी की थी, इनको एक और चाहिए थी। जस्ट ये भी बोलने वाला था मैं कि जिस उसमें लगता हूँ ना, जिस उसमें क्या बोलते हैं उसमें, जैसा टोल टैक्स लाइन, वो भाई भेजिए तो पूरा बारिश में भीजता रहा, तो टोल टैक्स लाइन लगता हूँ, हमारा बैग लेट आता है, और जब जैसे टोल टैक्स में गाड़ी लगाया था ना, एंड लाइन लेट थी, उसमें सबसे लेट आया मेरा बैग, भाई वेट करते टोल टैक्स ले गया हमारे सब हमारे हमारा बैग। कौन सी जगह है ये जगह? संगम हॉल। ओके, अब मुझे एक नाम नहीं लेना भाई, पानी देखो कितना भरा हुआ रोड पे, मैं कह रहा हूँ बहुत भयंकर बारिश हो क्यों नहीं रही है यहाँ पे। अन्ना को बोलना पड़ा डिफेंडर ले लो एक, उसको 6 फीट पानी तक ले जाओ। मैं अन्ना जी पूरा अपना ऑफ रोडिंग करते हुए, ये अन्ना बारिश गाड़ी के ऊपर तक आना, तो पानी खींच किलोमीटर थोड़ा सा। अच्छा अन्ना को रास्ता भी पता है कि कहाँ से निकालनी कहाँ से नहीं। वाह वाह, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज थी भाई। भाई मैंने गाड़ी वाले को बोला मगर रास्ते में कहीं चाय वाय मिले तो बता देना, मेरे को चाय पीने का मन है। अरे हम पिला देगा भाई, करते करते सीधे होटल आ छोड़ो। मैंने चाय के लिए कहीं टपरी वपरी पर रोक लेना, क्योंकि थोड़ी देर एंजॉय कर लेंगे, रोक लेंगे भाई साहब कहीं रोक पीना भाई साहब ने, भाई साहब सीधे ऐसा लगा लो पंच दर्द सीधे होकर होटल पर जल्दी तरह। अब मेरे को बोला नंबर देके गया, कह रहा सुबह कहीं जाना तो बता, मगर मेरी ऑलरेडी कैब बुक है। यहाँ पे चेक इन कर लेते हैं, वो होटल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बट यहाँ पे व्यू और भी तगड़ा है, सुबह दिखाऊँ मैं आपको, देता हूँ बाथरूम टूर। दे को खड्डो रखो है। अच्छा फिर ये क्या है यार? ओ भाई ओपन वॉशरूम है क्या? हैं इसमें तो कबूतर मरा पड़ा है भाई, इन्हें उधर फोन करूं ना मैं, काका कबूतर मरा पड़ा है। मैं तो ओपन बाथरूम है, मतलब ओपन था ये, अब क्लोज करा है मेरे हिसाब से तो इन्होंने। अच्छा वॉशरूम यहाँ पे भी तो ये, मैं भी पागल हो रहा हूँ, चटक लिया भाई, रूम अच्छा है, एंड यहाँ बैग है, अलमारी पलमारी, और ये अपना कुछ बेड है, ठीक है ना। पंखा वो 1947 का लग रहा भैया। अब तुम्हें दिखा दूं मैं बाहर का व्यू, ये देखो सामने बिल्कुल समुंदर है, छाती में समुंदर टक्कर मार रहा हूँ गाइस, छाती में टक्कर मार रहा है समुंदर यार, रोक लो तुम भाई, बिल्कुल मेरा ना सामने सी व्यू है, और ये पार्क है, यहाँ पे सामने झूला भी है, पड़ोसी ने कैसे झोंक सके हम रात को कैमरा लेके, समझ रहे ना तुम। बाकी सुबह दिखाऊंगा व्यू मैं, अभी बारिश हो रही है अभी भी फिलहाल ना। अब देखो तुम क्या बढ़िया लग रहा है पीछे का व्यू, बट ये जो लेंस है लेंस की वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर 35mm लेंस लगा के शूट करूंगा तब पता लगेगा। अभी कुछ खा लेते हैं, हमारे ऑर्डर मंगाओ, चाय मंगाओ, चाय पी के, अब यहाँ बाहर तो बैठ नहीं सकते क्योंकि सब कुछ गीला हो रखा है। फोन मिला रहा हूँ भाई चाय को, उठा ले जाओ, फोन ही ना लग रहा भाई, देख ले बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब तो पहले 10 बार मिला चुका हूँ मैं, एक बार मिला भैया, बस एक बार सामने तो आवाज आ रही है पौनी के, और मुझे कुछ भी ना होने को एडिट करूंगा अभी 2 दिन बैठ के यार, एंड उसके बाद देखेंगे आगे को।